Bismillahirrahmanirrahim. very venerable viewers uh, we are to talk about uh, uh, promoting emotional well-being for young children. It is uh, very useful to understand that how we can control uh, the emotional situations and the emotional state of the mind and body. Uh, इसमें uh, उसकी बीइंग well यानी हम उसकी कैफियत को इस तरह से बेहतर बना देते हैं बाय गिविंग सम वर्ड्स और बाय गिविंग सम इम्प्रेशंस लाइक हम uh, बच्चों को ज़रूर ये तासर दें कि वो दे आर वेरी क्यूट दे आर लव्ड वन उनसे हम प्यार करते हैं वो हमारे अच्छे बच्चे हैं और ये अच्छा होने का तस्वुर जो है उनके अंदर ज़रूर रहना चाहिए ये जो बाद हम नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं और बाद तो ज़्यादा तसलसल में इस्तेमाल होते हैं तो इससे उनकी वेल बीइंग मुसर होती है और इस बात का उनको यकीन दिलाया जाए कि दे आर वेरी यूनिक अस एंड दे आर वेरी प्रेशस उनकी यानी बर्थ है वो हमारे लिए जान है ज़रूर कहना चाहिए और फिर यह है कि उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो बढ़ाया जाए और इसका जो अमली तासर है जेस्चर्स हैं और बॉडी लैंग्वेज है उससे भी उसका इजहार उन्हें मिलना चाहिए इसमें हम मज़ीद जो चीज़ें देख सकते हैं कि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ जिसमें वो अपने आप को एक्सप्लोर करें यानी उनको ट्रस्ट किया जाए उनको मौका दिया जाए और वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें और बाद ये है कि वो इमोशनल भी हों तो हम उसको मॉनिटर भी करें और इसलिए उनको ना रोक लिया जाए कि आप इमोशनल हो जाते हैं आप उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते लेट देम टू डू उनकी हेल्प करें और उसके साथ हम जब हेल्प करेंगे तो दे विल बी एबल क्लाइंप एंड कंट्रोल एंड रन दचुएशन एज दैट इज़ नीडड इसमें uh, हम उनकी हेल्प इस तरह से भी कर सकते हैं कि दे मैप आउट देर प्लान और अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए बाद हम पेपर पर लिखने के लिए भी कह देते हैं कि दीज वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू यू रिमेम्बर दीज वर्ड्स या यह है कि जब आप इमोशनल uh, कंडीशन में हों गुस्से में हों या आप अफसरदगी में हो तो उस वक्त ये अल्फाज कहें वो अल्फाज अपने आप को एम्पावर करने के लिए हम उन्हें यकीन और याद दिलाते हैं उसमें कुछ अल्फाज इस तरह से हैं जो अपनी सलाहियतों के बारे में कि आई एम वेल ग्रूम्ड पर्सन मेरी शख्सियत मज़बूत है मुझे लोग पसंद करते हैं मैं लोगों का हर दिल अज़ीज़ हूँ इस तरह के जुमले अगरचे बोलने में ज़रा थोड़ा सा महसूस होगा कि यकीन नहीं आ रहा लेकिन ये जुमले कहने से इस बात को यकीन करना पर आसान भी हो जाएगा और इसमें हम बच्चों को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी इमोशनल कंडीशन और स्टेट को समझने के लिए हम उनकी हेल्प कर रहे होते हैं और उनके साथ यानी साथ इमोशंस -साथ उसका इजहार बात का यह है कि हम वीडियोस प्रेजेंट करते हैं कि हेयर हाउ यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ दिस वन इज़ द वे आप यहाँ पे इस तरह से ये लफ्स इस्तेमाल करते इसको ना करते तो ये ज़्यादा बेहतर था और uh, इसमें जो भी uh, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि हम उनको कुछ वोकेबलरी दे दें यानी वट वर्ड्स यू टू यूज़ फॉर दी गुड एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस मसल गुस्से की हालत में हम बाद यह है कि ऐसे जुमले कह देते हैं ऐसे लफ्ज़ कह देते हैं जो दूसरों को बस्ट आउट करते हैं दूसरों को और गुस्सा दिलाते हैं तो ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने की बजाय हम उन्हें कुछ ऐसे सूदें और सपोर्टिंग वर्ड्स करने और बोलने के लिए उनकी तरबियत में उनका हिस्सा बने इसमें यह है कि उनकी अपनी फीलिंग्स Uh, बेहतर होती हैं और उनको एक तकफीत मिलती है और उसके लिए जो अपनी फीलिंग्स को बेहतर करने के लिए कि यस मेरे लिए ऐसा कोई uh, मसला नहीं है जो बात इन्होंने कही है वो मेरे लिए नहीं मेरे ऊपर सादक नहीं आती आई एम अ गुड दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर मी तो इस तरह के छोटे छोटे जुमले uh, जो है ना वो हम उनकी हेल्प कर देते हैं कि यू कैन कीप इन माइंड एंड वन द अदर इज़ एक्सप्रेसिंग दैन है यू एक्सप्रेस इट और जो उसकी फीलिंग्स हैं और जो लोग जिस तरह की फीलिंग्स रखते हैं आ, उसके बारे में तो अपनी फीलिंग्स उसकी उसको हम बेहतर बनाएं और जिस तरह से लोग उसको कह रहे हैं तो उसको नेगेटिव करने के लिए या फिर यह है कि उसका जो असल तसर बन रहा है अगर उसके अच्छे अलफाज से बन रहा है तो वो उससे ज़रूर कन्वे किया जाना चाहिए तो ये वालदे की और हसात्सा की जिम्मेदारी है बहुत शुक्रिया